मुख्यमंत्री के अधिकारियों और पीसीएस अधिकारियों के साथ आज सारा दिन बैठकों का दौर भी चला, और उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कर दिया था कि करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस रहेगी और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो करप्ट प्रैक्टिस करेगा। फिलहाल इस समय हमारे साथ मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव ए वेणु प्रसाद हैं। सर, ये बताएं कि आज आपने काफ़ी जो मंथन किया पीसीएस अधिकारियों के साथ, लंबी चौड़ी बैठकों का दौर भी चला, और अंत में जो मुख्यमंत्री का मैसेज था वो काम आया। यस, सीएम साहब का जो मैसेज देता मैं उन्होंने दसिया सी, क्योंकि जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं, बाकी मुलाजम हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। सीएम साहब ने 9 जनवरी नू उन्होंने गारंटीज दिता, आश्वासन दिता, ऑन द बेसिस दे विच आज इन्होंने स्ट्राइक कॉल विथड्रॉ कर लिया। आज से वे काम पे लग जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो आज भी एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, सैटरडे संडे भी लगाएंगे, क्योंकि पब्लिक सर्विस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने रिटरेट किया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द करप्शन, जो एंटी करप्शन ड्राइव है वो चालू रखेंगे और चालू रहेगा। सर, पेच किस इशू के ऊपर फंसा हुआ था, क्योंकि 3-4 दौर की आपके साथ बैठकें हुई हैं? कोई मेजर इश्यूज नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-2 केसेस दे बारे कहा सी, सो असी कल कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिया है, सो ऑन द बेस ऑफ दैट वो कन्विंस हो गए आज, इस करके ज्वाइन हो गया था। तो विजिलेंस से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो विजिलेंस ने रिपोर्ट दे दी, और जिस तरह से नरेंद्र का केस था जो आरटीए था, और इसी तरह कुछ दूसरे केसेस थे। सीएम साहब ने 9 जनवरी नू फैसला किया कि एक हफ्ते दे विच जो भी केसेस हैं उसका इंक्वायरी कराएंगे, बिल्कुल जस्टिस होएगा, और किसी दे मुलाजम किसी के खिलाफ भी इनजस्टिस नहीं होएगा। तो आज से काम शुरू? बिल्कुल, आज से क्यों, अभी से शुरू हो गया काम। ये थे ए वेणु प्रसाद जो बता रहे थे कि अभी से काम भी शुरू हो गया है, और जो अधिकारी होंगे वो सैटरडे संडे जो पुराना बैकलॉग होगा उसको पूरा करने का यत्न करेंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।